हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 4th चैप्टर है और अगर आपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, स्टॉक प्राइसेस एंड रिटर्न्स और उनके फंडामेंटल्स के बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। तो लेट्स डाइव इनटू द 4th चैप्टर, स्टॉक फंडामेंटल्स। देयर आर सो मेनी कंपनीज एंड सो मेनी स्टॉक्स। कहां इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। तो आज दूसरों से ये पूछने के बजाय कि कौन सा स्टॉक खरीदना फायदेमंद रहेगा, हम खुद स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं जिनके रिजल्ट से हम ये तय कर सकते हैं वेदर टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक और नॉट। सो व्हाट आर स्टॉक फंडामेंटल्स? ये एक कंपनी के लिए की मेट्रिक्स होते हैं। एनालिस्ट एक स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के शेयर्स की फंडामेंटल वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जो कंपनी फंडामेंटल्स असेस करने के लिए यूज किए जाते हैं वो हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EPS यानी अर्निंग पर शेयर। इनके अलावा और भी बहुत मेट्रिक्स हैं टू मेजर अ स्टॉक्स फंडामेंटल, पर इस वीडियो में हम इन 5 मेट्रिक्स पर फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये एक तरीका है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स का कंपैरिजन करने का, जिसमें एक टाइम पीरियड को एक साल पहले के सेम पीरियड से कंपेयर किया जाता है। इन्वेस्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स इम्प्रूव हो रहे हैं या फिर डिटीरियोरेट हो रहे हैं। अगर किसी कंपनी के रेवेन्यू और अर्निंग्स YoY बेसिस पे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है, और अगर ये नंबर्स YoY बेसिस पर डिक्लाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी श्रिंक हो रही है। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 1000 करोड़ था और 2021 में 1100 करोड़ हुआ। इसका मतलब है कि रेवेन्यू ने प्रीवियस ईयर से 100 करोड़ की ग्रोथ की है, यानी इस कंपनी में 10% YoY रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। सिंपल राइट? सेकेंड आता है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत ही सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक है जिससे आप किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि द हायर द प्रॉफिट मार्जिन द बेटर द कंपनीज फाइनेंशियल्स। ये कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी की इनकम को उसके रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी की टोटल इनकम 10 करोड़ है और रेवेन्यू 100 करोड़ है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन 10% होगा। अब आता है अर्निंग्स पर शेयर और EPS। ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने में मदद करता है। EPS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नेट इनकम ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट्स और अर्निंग्स डिवाइडेड बाय अवेलेबल शेयर्स। जैसे जैसे EPS की वैल्यू बढ़ती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर किसी कंपनी का EPS ज़्यादा है तो उससे प्रॉफिटेबल माना जाता है और इन्वेस्टर्स
उस कंपनी के शेयर्स के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है शेयर्स की वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी के शेयर प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं। अगर पीई रेशियो ज़्यादा है तो वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, और अगर कम है तो ये इंडिकेट करता है कि शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड है। इसका यूज किसी कंपनी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए या फिर किसी मार्केट को दूसरी मार्केट से कंपेयर करने के लिए भी किया जा सकता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या एनालिस्ट तो पीई रेशियोज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब आखिर में बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट होता है जो कंपनी अर्न करती है अपने एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज और टैक्सेस पे करने के बाद। डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो भी इसका पार्ट है। जैसे कि अगर एक कंपनी का टोटल रेवेन्यू ₹1,00,000 है, एक्सपेंसेस ₹60,000 है और टैक्स ₹20,000 है, तो उसकी पैट ₹20,000 होगी। तो ये था अबाउट द फाइव फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक्स दैट वी नीड टू चेक बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। If you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching and stay tuned for the next chapter where we will discuss other stock fundamentals. So, see you in the next one.